everyone, welcome back to my channel. Today's video is for any year calendar. Idea behind this, आपको हर साल नया calendar purchase करने की ज़रूरत नहीं है. मैं ये wedding card use कर रही हूँ, जो roughly 0.5 cm thick है. आप 0.5 cm thickness वाला कोई भी cardboard use कर सकते हो. मैंने इस पर 12x14 का rectangle draw कर लिया है और मैं ये कटर ले रही हूँ जिससे मैं इसे कट कर लूँगी. चारों साइड में ब्लैक एक्रेलिक कलर अप्लाई कर लेना है. कार्ड के साइज के दो पेपर्स मैंने कट कर लिए हैं जिसे ग्लू लगाकर दोनों साइड स्टिक कर लेंगे. सेम वे 12x14 cm के 2, 12x11 cm के 3 एंड 6x8 cm के 6 पीसेस कर लिए हैं. नेक्स्ट 12x14 cm वाले पीस पर सपोर्ट लाइन ड्रॉ कर लेनी है. स्पेलिंग ट्रेसिंग के लिए मैं परमानेंट मार्कर एंड अल्फानुमेरिक स्टेंसिल यूज कर रही हूँ. इससे मैं मंडे का स्पेलिंग ट्रेस कर लूँगी. यहाँ पर भी मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली है और इसी तरह से ट्यूसडे का स्पेलिंग भी ट्रेस कर लेना है. बैक साइड पर भी नेक्स्ट डेज ऑफ वीक ट्रेस कर लिया है. नेक्स्ट पीस के साइज के कट्स बनाए हैं जिसे बॉर्डर्स पर स्टिक कर लेना है. इसी तरह से मैंने ऑल डेज ऑफ वीक ट्रेस कर लिया है. 12x11 cm के पीसेस पर मंथ्स को ट्रेस कर लेना है. 6x8 cm साइज के पीसेस पर नंबर्स को ट्रेस कर लेना है. फॉर बेस 13x4 cm के 2, 4x4 cm के 2 और 13.5x4 cm के 1 पीसेस कट कर लेने हैं. ग्लू लगाकर इसे एटलीस्ट 5 to 6 आवर्स के लिए ड्राई होने देना है. सो बेस इज रेडी. If you like this DIY, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना. And yes, don't forget to like, share and subscribe.